प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित काटाफोड़ जिनवानी मार्ग अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। चंद्रकृष्ण नदी पर निर्मित पुलिया क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती दिख रही है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित काटाफोड़ जिनवानी मार्ग में चंद्रकेश्वर नदी पर निर्मित पुलिया भी जर्जर हो चुकी है। पुलिया में बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। साथ ही मार्ग अनेक स्थानों पर जर्जर हो चुका है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि चंद्रकेश्वर नदी पर निर्मित पुलिया विगत एक वर्ष से क्षतिग्रस्त होकर आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है, लेकिन इस ओर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं है। साथ ही काटाफोड़ जिनवानी मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। सतवास से जीतू सिंगे की रिपोर्ट। बारिश में गाड़ियों निकलती तो दिक्कत आती है, अलग फट गई हो, पानी आने ज़्यादा आ जाए तो दिक्कत, किरासिंग में दिक्कत, सब में दिक्कत आती है। 5-1 साल हो गए इसको, 5-6 साल से आफत ही आने की। ये रोड जो दिख रहे हैं 3 साल से परेशान है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी वाले आने जाने में बहुत परेशानी, दिक्कत हो रही है। और जो सामने जो पुलिया है उसमें बहुत दिक्कत, वो भी टूटी फूटी हुई है। रोड पूरा खुद चुका है, ये जो दिख रहा पूरा रोड ऐसा गड्ढा है और उसमें नहर का पानी आता है तो पूरा भरा जाता है, तो और ज़्यादा परेशानी आती है, बहुत परेशानी से निकल रहे हैं यहाँ से। सर ये करीब करीब 2-3 साल से रोड बहुत ख़राब हुआ है सर, और ये बारिश में और दिक्कत परेशानी ज़्यादा आती है। ये कांटाफोड़ से जिनवानी तक रोड है, जिनवानी से दोंगला पानी वाला रोड है, बहुत परेशानी दिक्कत है हमको। ये पुल भी ख़राब है यहाँ का? हाँ ये पुल भी ख़राब है, उधर भी एक और दो एक पुल है वे भी ख़राब है, बहुत दिक्कत आती है, परेशानी भी आती है बारिश में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।